Hi guys, hope you all are well. So I welcome you all to Learn with Diamond Door. So this is the next part in the container series of chapter 10 financial market, that is part number 6. So in this video we are going to cover secondary market. हम लोगों ने last video के अंदर capital market के दो types रखे थे, primary market and secondary market. And primary market मैं cover कर चुकी हूँ इसके previous video के अंदर. And this is the next part which is related to the secondary market. राइट, तो सेकेंडरी मार्केट के बारे में हम पहले समझेंगे, जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, दो इसके और नाम हैं. यू शुड वेरी मच क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग, बिकॉज समटाइम दे आस्क फॉर वन मार्क क्वेश्चन. एंड इट इज़ अ मार्केट फॉर परचेज एंड द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी. जब मैंने आपको इंट्रो दिया था कैपिटल मार्केट का, तो मैंने आपको समझाया था कि ये एग्जिस्टिंग से डीलिंग करता, जो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं ना उससे रिलेटेड. इट हेल्प एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू डाइवर्स एंड फ्रेश इन्वेस्टर टू एंटर टू द मार्केट. देखो, समटाइम क्या होता है कि आपने शेयर ले लिया, बट नाउ यू हैव टू सेल. तो उस केस में ये आपको मार्केट फैसिलिटी देता है दैट यू आर गोइंग टू, यू कैन सेल द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी और एंड गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर बायर्स टू एंटर इन टू इट. ठीक है ना, जिसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया वो आके परचेज कर लेता है और फिर ये ना ऐसे चलता रहता है चेन हमेशा का हमेशा. ठीक है ना. नेक्स्ट इज द, इट ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग. देखो, लिक्विडिटी क्या होता है कि वॉल्यूम देता है ये, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम. ठीक है ना, मतलब इट्स गिव लॉट्स ऑफ वॉल्यूम रिलेटेड टू दिस. मतलब बहुत सारा आपको वॉल्यूम मिलता है, मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है. ठीक है, इससे मार्केटिंग होती है, मार्केटेबिलिटी कंडीशन फुलफिल हो पाता है, कि इससे से लोगों को अवेयर होता है कि अच्छा ये सब कुछ है. ठीक है ना, इन द स्टॉक मार्केट के अंदर. इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बाय चैनलाइजिंग द फंड टुवर्ड द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना, जो हमारे जितने भी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, उनका मेन कंसेप्ट यही है कि वो चैनलाइजिंग करते हैं. जो हमारे आइडल फंड पड़े हुए हैं ना, उसको मोस्ट प्रोडक्टिव फंड्स के अंदर लगा के, मोस्ट प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा के. ठीक है ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिस इन्वेस्टमेंट एंड द री इन्वेस्टमेंट. हमारे दो ही इसके प्रोसेस है, एक तो डिस इन्वेस्टमेंट या री इन्वेस्टमेंट. ठीक है, या तो जो आपके पास है वो आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया. ठीक है ना, एंड री इन्वेस्टमेंट मतलब दोबारा से इन्वेस्ट करो. वट एवर द प्रॉफिट यू अर्न फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, यू अगेन री इन्वेस्ट इन सम अदर प्रोजेक्ट. ठीक है, फिर उसके बाद आता है, सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड क्लियर सेटल विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब बाय द सेबी. मतलब जैसा सेबी ने बोला है ना, उसके अकॉर्डिंग ही करना है. मतलब ये नहीं कि आपने मर्जी, क्योंकि इसका जो, जैसे कि हमारे बैंकिंग के लिए RBI अथॉरिटी है ना, हेड अथॉरिटी, उसी तरह से यहाँ पे जितने भी काम होते हैं उन सबके अंदर, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड काम होते हैं, उन सबका हेड कौन है, सेबी है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है ना, ये सारा काम हमारा संभालते हैं इससे रिलेटेड. ठीक है ना, ये हमारे हेड होते हैं, द कंपनीज नीड्स टू फॉलो देम. सो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज. क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज? इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी. जैसे कि एक मार्केट होता है ना, वो एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, गुड्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ना. मार्केट के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर जाते हैं या फिर या किसी मॉल में जाते हैं, तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप अपना मतलब चीज़ों को खरीद सकते हैं. सेल तो नहीं कर सकते होंगे, नहीं मतलब जैसे कि वो हमारे जो सेलर्स होते हैं वो सेल करते हैं एंड वी आर दी बायर्स, तो हम लोग बाय करते हैं. तो एक तरह से ये भी हमें प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का परचेज एंड सेल करते रहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है ना, गुड नहीं मिलता वहाँ पे आपको, आपको कोई सामान नहीं मिलेगा, लेकिन आपको शेयर्स एंड डिबेंचर्स मिलेंगे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है. ठीक है ना, फैसिलिटेट दी एक्सचेंज ऑफ द सिक्योरिटी इनटू द मनी एंड वाइस वर्सा. ठीक है, द स्टॉक एक्सचेंज हेल्प द कंपनीज रेज फाइनेंस, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर्स एंड एनहांस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज. ठीक है ना, ये क्या होता है, एक हेल्प करता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, बहुत सेफ्टी है, क्योंकि एक प्रॉपर मैं कहूँ एक सिस्टम है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके सब कुछ होता है, एक हेड होता है रेगुलेटरी बॉडी, जो हमारी सेबी है. ठीक है ना, तो आप इसके अंदर घपला वाले के बारे में नहीं सोच सकते कि नाउ यू आर गोइंग टू फ्रॉड समवन, तो ये पॉसिबल नहीं है. हर्षद मेहता केस अगर आपको नहीं पता होगा, तो यू जस्ट गूगल इट एंड जस्ट रीड लिटिल बिट अबाउट, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स. ठीक है ना, वहाँ पे हुआ था एंड वो 1992 में हुआ था, और सेबी का एस्टेब्लिशमेंट भी 1992 में ही हुआ था, है ना. सो दैट कोई एक हेड रहना चाहिए, दैट टाइम देयर इज नो हेड. ठीक है, आपको ब्रोकर जो थे ना, वही हमारा सब कुछ थे, तो इसलिए ये हुआ. तो दैट्स वाई द सेबी को हम लोगों ने एक हेड बनाया था, 1992 में ही बना दिया था. ठीक है, तब से सारी रेगुलेटरी वही है, सो दैट ये फ्रॉड वगैरह ना हो सके. सो दिस इज द होल रोल अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज, एंड ये हम लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है. ठीक है ना, अभी तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो भी बहुत हेल्पफुल है. तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज
इन योर एग्जाम समहाउ दे आस्क अ वेरी वेरी लेस मार्क क्वेश्चन, और कई बार वो एमसीक्यू में पूछते, ज़्यादा आपको नहीं आएगा, बस इतना ही आपको करना है और आपकी इसको डेफिनेशन इसके बारे में पढ़ लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा तो मैक्सिमम 3 मार्क्स क्वेश्चन वुड कम फ्रॉम दिस टॉपिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एंड नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। So, if you have any doubt, then do comment below. Do like, share, subscribe. Thank you. Bye-bye. Take care.